सो गाइज वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो ये हमारा वीडियो जो है ये भी डिस्कस से रिलेटेड ही रहेगा। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है, काफ़ी सारे जो हमारे डिस्कस कीपर्स है और जो मतलब अभी अभी जिन्होंने डिस्कस रखना स्टार्ट किया है वो सफ़र करते हैं रेनी सीजन में। रेनी सीजन में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होता है। हालांकि मानसून सीजन जो है ये फिशेस के लिए बहुत अच्छा रहता है, ऑलमोस्ट सारे फिशेस के लिए, बट जो हमारे घर पे हम फिश पालते हैं ना उनको इसमें दिक्कत आती है। और वो कहाँ पे आती है ये मैं आपको बताता हूँ। खास करके डिस्कस को ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और वो क्यों होता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर वो चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपके फिशेस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और जैसे मैंने बताया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये हमारे फिशेस के लिए सबसे बेस्ट सीज़न रहता है। मतलब समर्स ले लो, विंटर ले लो, उसमें सबसे अच्छा जो है मानसून सीज़न ही है। सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आसमान एक्वेंचर। सो जितने भी हम डिस्कस कीपर्स हैं, जितने भी हॉबीस्ट हैं, जितने भी ब्रीडर्स हैं, रीसेलर्स हैं, जितने भी लोग डिस्कस रखते हैं उनको एक बेसिक चीज़ें तो पता ही होती है कि डिस्कस को जो है थोड़ा सा गर्म टाइप पानी लगता है। गर्म इन द सेंस हॉट वाटर नहीं, जो टेम्परेचर है थोड़ा हायर साइड 28-30 उसके करीब, ये बात तो सब जानते हैं। लेकिन ये कैसा है, ये जो स्टडीज़ से बाहर आई वो चीज़ है। यूजुअली आप अगर देखोगे तो आपके डिस्कस 26 या 24 डिग्री में भी रह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरे पास आपने देखा होगा कई सारे वीडियोस में मैंने उस टेम्परेचर पे भी रखा है, इनफैक्ट 25 डिग्री पे मैंने ब्रीड भी किया है डिस्कस। सो नॉर्मल जो टेम्परेचर मतलब डिस्कस के लिए अच्छा माना जाता है एक 28 डिग्री, ऑन एन एवरेज 28 डिग्री आप पकड़ लो, कम ज़्यादा ठीक है। अब डिस्कस का जो ओरिजिन है ये अमेजोन रिवर है, ये तो आप सबको पता होगा। ये हालांकि हमारे डिस्कस जो है ये सारे मतलब कैप्टिव ब्रीड ही है, कोई भी वाइल्ड नहीं रहता है, वाइल्ड डिस्कस का लुक वगैरह सारी चीज़ें अलग रहती है। सो अमेजोन रिवर जो होता है, अमेजोन रिवर या अमेजोन फॉरेस्ट की आप अगर बात करें तो उसको रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। सो बारिश देखा जाए तो इनके लिए मतलब एक अच्छा ही सीज़न होता है बारिश का सीज़न, लेकिन हमारे पास काफ़ी दिक्कत आती है ड्यूरिंग रेनी सीजन। नॉर्मली मतलब वो ऐसे ही नहीं आएगी दिक्कत, क्या वजह से दिक्कत आती है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बारिश के टाइम पे आप अपने एक्वेरियम का टेम्परेचर भी देखोगे, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट रहेगी। और अगर आपके पास एडल्ट पीसेस है, जितने भी लोगों के पास एडल्ट पीसेस का अगर ग्रुप है तो आप देखना कि वो ब्रीडिंग बिहेवियर या फिर उनका जो ब्रीडिंग डांस है, मेटिंग डांस है, वो सारा स्टार्ट हो जाएगा रेनी सीजन में। आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा विटनेस करोगे। जैसे कि अगर वो पूरी तरीके से एडल्ट नहीं हुए हैं, मतलब समझ लीजिए कि 10 महीने के है, वैसे एज के भी है, सो काफ़ी सारे वो एज में भी आपको मानसून में देखने मिलेगा उनका ब्रीडिंग बिहेवियर। सो देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक बेनिफिशियल रहता है ये जो सीज़न है। बट दिक्कत कहाँ पे आती है ये मैं आपको बताता हूँ। हम जो भी डिस्कस रखते हैं हमारा मेन मोटिव रहता है कि डिस्कस को हमें वाटर क्लीन रखना है। ठीक है, अभी पहले एक ये बेटा आप देख लो, ये बेटा का भी मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। ये बेटा इसमें इसीलिए मैंने रखा है क्योंकि ये गप्पीज़ के साथ रखा हुआ था, एक जो बचा हुआ बेबी था वो, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा हो रहा था ना, ये गप्पी को अटैक करना इसने स्टार्ट कर दिया। सो मैंने फ़िलहाल इसे डिस्कस के साथ रख दिया है, देखते हैं क्या होता है। ऐसे तो मैंने पहले भी डिस्कस के साथ रख चुका हूँ बेटा, कोई ऐसा प्रॉब्लम होती नहीं है, बट ठीक है देखते हैं क्या होता है अभी। सो जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमें जो है वो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, डिस्कस फिश हम जितने भी लोग रखते हैं हमारा मेन मोटिव रहता है कि हमें डिस्कस का वाटर जो है उसको क्लीन रखना है। डिस्कस वाटर क्लीन रखने के लिए अभी हर एक के पास कैनिस्टर या तो फिर सम वैसे फ़िल्टर नहीं होते, इनफैक्ट मेरे पास एक टॉप फिल्टर भी नहीं है, इसमें ओनली स्पॉन्ज फिल्टर है। सो जो नॉर्मल प्रैक्टिस हम करते हैं वो करते हैं वाटर चेंज। अब कोई 30% करता है, कोई 40% करता है, कोई 50% करता है, मैं 70-80% करता हूँ, और जितने भी रेजर्स लोग हैं उन लोग 100% भी करते हैं। सो वाटर चेंज करने का हमारा मेन मकसद तो एक ही होता है गाइस, कि हमारा पानी साफ रहे और उससे हमारे फिशेस जो है वो हेल्दी रहे। अब फिशेस हेल्दी रखने के चक्कर में हम ज़्यादा ज़्यादा वाटर चेंज करना स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा वाटर चेंज करना स्टार्ट करने से क्या होता है, बारिश के टाइम पे जो हमारे पास पानी आता है उसमें गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन के हिसाब से पानी के अंदर जो क्लोरीन रहता है वो ज़्यादा डाला जाता है, क्योंकि बारिश के टाइम पे जो भी नया वाटर मतलब हमारे पास ऐड हो रहा है जो हमारे लिए यूज़ होना है उसमें बैक्टीरियाज जो हार्मफुल हमारे लिए होंगे,
वैसे बैक्टीरियाज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, जिस वजह से वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए उसमें जो क्लोरीन ऐड किया जाता है, जो हमारे फिशेस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, उनके लिए तो जहर है, वो उसका क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाता है। सो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम इसमें डीक्लोरीनेटर वगैरह ऐड करते हैं, लेकिन वो एक नॉर्मल अजम्पशन के हिसाब से, हमें पता है इसमें एक नॉर्मल मतलब रेंज ऑफ क्लोरीन रहेगा, उस हिसाब से हम डीक्लोरीनेटर है, जो जिस तरह का भी आप डीक्लोरीनेटर यूज़ करो, आपको अब यूज़ करते हो, बट अब क्या होता है कि आप उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ाते हो, क्योंकि आप जो अपना वाटर चेंज कर रहे हो वो तो नॉर्मल हमेशा जैसा करते हो वैसे ही कर रहे हो, और अगर आपका जो नया पानी है, जो टैप वाटर है, उसमें क्लोरीन ज़्यादा हो गया, आपको वो पता, आप देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो उसको, देख के आइडेंटिफाई तो कभी नहीं कर सकते हो आप, अगर उसका किसी भी मतलब वाटर पैरामीटर चेक करने वाला कोई भी आपके पास किट रहेगा उससे चेक कर सकते हो, देख के आपको कभी पता नहीं चलेगा। अगर उसमें समझ लीजिए TDS वगैरह भी हाई हो जाए तो वो हम देख के तो नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो क्लोरीन का तो आप भूल ही जाओ। उससे क्या होता है, आपने वाटर चेंज कर दिया, नॉर्मल जितना आप उसमें डीक्लोरीनेटर डालते हो आप वो डाल देते हो, लेकिन उससे क्या होता है, आपके जो फिशेस है, आपके फिशेस को क्लोरीन शॉक लग जाता है, क्योंकि उसमें जो क्लोरीन है वो बहुत ज़्यादा है आपके पानी में, जो आपके डीक्लोरीनेटर से रिमूव नहीं हुआ। तो इसको टैकल करने का सबसे सिंपल तरीका यही है, जितना भी आप वाटर चेंज करते हो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप उसको कम कर दो, अगर आप 50 कर रहे हो तो उसको 30 कर दो, 80 कर रहे हो उसको 40 कर दो, 50 कर दो, लेकिन बहुत ज़्यादा वाटर चेंज आप मत करो। अगर आपको करना भी है, आप 100% श्योर हो कि आपके पास जो पानी आ रहा है वो प्रॉपर है एकदम, उस केस में कर लो, उस केस में मैं आपको मना नहीं करूँगा। लेकिन आपको अगर पता नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा गाइस, काफ़ी सारे लोगों के एक साथ बहुत सारे टैंक्स में प्रॉब्लम हो चुकी है ये सारे रीज़न की वजह से, तो ये क्लोरीन शॉक आपके डिस्कस को लग जाता है तो वो रिकवर होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और बहुत सारे केसेस में वो रिकवर नहीं होते। तो इसीलिए आप जो है वाटर चेंज कम करो। एंड सेकेंड थिंग, जैसे मैंने बताया, वाटर पैरामीटर्स हम देख के तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप अपना वाटर चेक करो। कैसा चेक करो, आप जब वाटर आ रहा है ना तो इसको एक नॉर्मल छोटे कंटेनर में लेके देखो। बारिश में कई बार मतलब थोड़ा मडी टाइप आता है, या तो थोड़ा वाइटिश पानी भी आता है, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन आपके फिशेज जो है तुरंत उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप एक ये चीज़ ध्यान रखो कि आपको अच्छे से चेक करना है, एक बार आप अपना पानी ध्यान से देख लो, क्योंकि हम उसको यूज़ करते टाइम उतना गौर नहीं करते हैं, जो हमारा जो भी स्टोरेज है उसमें वो फिल हो जाता है, हम उसको नॉर्मली नहाना है जो भी करना है हम ऐसे ही यूज़ करते हैं, हम कभी देखते नहीं उसका कलर कैसा है। तो आप वो चीज़ भी ध्यान रखो, क्योंकि वो लाइट मडी रहेगा, ऐसा नहीं एकदम ब्राउन रहेगा, लाइट मडी आपको दिखेगा। अगर वैसा आपको दिख रहा है तो थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा सब्र कर लो, फीड कम कर दो अपने फिश का। आप पानी ज़्यादा नहीं चेंज कर रहे हो ना, फीडिंग कम कर दो तो आपके फिश को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि मैंने तो मेरे डिस्कस को गई 10-10, 12-12 दिन भी बिना वाटर चेंज के रखा है, बट मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि शायद मेरा एक्सपीरियंस इतना हो गया है कि मैं फिर भी उनको मैनेज कर पा रहा हूँ, बट ऐसा हर एक के साथ ऐसा नहीं होता। सो ये चीज़ रिकमेंडेड है भी नहीं, कोई अगर एक्सपीरियंस्ड बंदा है तो भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं किसी रीज़न की वजह से नहीं कर पाता था, बट अभी मैं रेगुलरली कर रहा हूँ। सो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ऐसा ज़रा भी नहीं बता रहा हूँ कि आपको वाटर चेंज करना ही नहीं है, वाटर चेंज आपको करना है। आप वाटर चेंज का मतलब जो क्वांटिटी है ना उसको रिड्यूस करके ऐसा कर दो कि अगर क्लोरीन उस नए वाटर में हाई आ भी गया ना तो भी वो आपका जो टोटल टैंक का वॉल्यूम है वाटर का उसको अफेक्ट ना कर सके, जिससे आपके फिशेस इंपैक्ट नहीं होंगे। अगर आप अपने वाटर को लेके श्योर हो, उसका पैरामीटर आप चेक कर सकते हो कैसा है, उसके बाद आप ऐड कर रहे हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट काफ़ी सारे लोग नहीं करते, इनफैक्ट मैं भी नहीं करता हूँ ऐसा। मैं वाटर चेंज करने से पहले जो मेरा स्टोर्ड वाटर है उसको मैं चेक करके कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जो नॉर्मल हमारा यूज़ का वाटर है वो जो स्टोर होता है वही पानी मैं यूज़ करता हूँ हमारे डिस्कस के लिए। सो बस ये एक छोटा सा अपडेट मैं आप लोगों को देना चाह रहा था इस वीडियो के थ्रू, के वाटर चेंज करते टाइम खास ध्यान रखो। अगर आपको वाटर में ज़रा भी डाउट लग रहा है तो वाटर चेंज मत करो, और हो सके तो थोड़ा कम वाटर चेंज करो, क्योंकि बहुत सारे टाइम गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो क्लोरीन रहता है वाटर में वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है, जो कम डीक्लोरीनेटर डालने पर नहीं रिमूव होता है, और आप ज़्यादा भी डालो तो वो इंस्टेंटली नहीं रिमूव होता है, फिर भी आपके फिशेज़ को इम्पैक्ट होता ही है। सो बस ये छोटा सा अपडेट मेरे तरफ से था, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको कुछ ना कुछ तो सीखने मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको अगर कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर DM कर सकते हैं, ठीक है। अपने फिशेज़ का ध्यान रखिए, उनको हेल्दी रखिए, थोड़ा एक्स्ट्रा केयर कीजिए, एंड इंशाल्लाह आपके सारे फिशेज़ हेल्दी रहेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
सो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैप्पी फिश कीपिंग।